इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इस्लामाबाद G13 में सैनिटरी वर्कर्स की तरफ से मुतलका सुपरवाइजर को रिश्वत न देने पर सैनिटरी वर्कर्स को सुपरवाइजर ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकया में एक खातून सैनिटरी वर्कर शदीद जख्मी हो गई, जिसे करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मसीही तहरीक बेदारी के सदर शहजाद सोहत्रा ने मुतालबा किया है कि रिश्वतखोर अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस जालिम ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मजलूम को इंसाफ फ्राहम किया जाए। शहजाद सोत्रा ने मजीद कहा है कि हम इस वक्त पिम्स हस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ जमील खोखर, सबका उम्मीदवार बराए चेयरमैन इस्लामाबाद यूसी बासिट, नवीद गिल, जिन्होंने नाजिया बीबी की अयादत करते हुए हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको नौकरियों से भी बेदखल किया जाए, ताकि ऐसी जो गंदी मछलियां जो महकमों में भर्ती हुई हैं तो उनके उनका एहसाब हो सके। हम दोबारा फिर IG इस्लामाबाद से चेयरमैन CDA से ये मुतालबा करते हैं और अपील करते हैं कि खुदारा इस जो मजलूम फैमिली है इनको इंसाफ दिया जाए। थैंक यू।